इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। लेकिन दीदी, माँ ये जरूर जानना चाहेगी कि आखिर राहुल ने आपसे क्या कहा। नसीब का सहारा लेकर आप अपना फैसला हम पर मत लादिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रिश्ते के बाद आपके और राकेश के पिता के बीच में जो कड़वाहट है वो अपने आप धुल जाएगी। हेलो हेलो रितिका, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूं। कुछ काम था? मुबारकबाद देने के लिए। दोस्त हो ना, दोस्त की खुशी में खुश तो होऊंगा, और खुश होने का हक भी है मुझे। हाँ लेकिन रितिका, तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देखो तुम इस बारे में क्या सोचती हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने इस बात को खुले दिल से कबूल किया है कि नसीब के फैसलों के आगे किसी की नहीं चलती है। इंसान को जो मिले उसे उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ मानस, मैं खुश हूं ना, बहुत खुश हूं। सुन के अच्छा लगा। मुझे अपनी शादी में इनवाइट नहीं करोगे? तुम्हें कैसे बताऊं मानस कि जिस शादी के बारे में तुम खुशी जाहिर कर रहे हो वो तो होने ही नहीं वाली। देखा क्या बात है, क्या सोच रही हो? भाई अगर तुम्हें मेरा वहां आना अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं आऊंगा। नहीं नहीं मानस, वो जहां तक मुझे मालूम है पापा आने वाले हैं आपको इनविटेशन देने के लिए। अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है। मानस जहां तक तुमने नसीब की बात की है तो चलो सारी बातें हम नसीब पे ही छोड़ देते। वैसे भी कल क्या होने वाला है वो तुम्हें भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता है ना। ये भी ठीक कहा तुमने रितिका, बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा मैं अब फोन रखता हूं। बाय। ओके बाय। का कुछ हो या ना हो, हम दोनों एक अच्छे दोस्त बनके जिंदगी भर एक दूसरे का साथ तो दे ही सकें। तो मैं जब भी मेरी जरूरत महसूस हो सिर्फ एक आवाज देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। प्रॉमिस? ऑफ कोर्स आई प्रॉमिस यू। अभी अभी आके रुकी और
मुझे काजल दीदी नहीं, काजल बुलाओ। ओके एक मिनट, मैं अभी मामा को बुलाती हूँ। मामा देखो कौन आया है। अरे काजल तुम? मासी खुश रहो, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और इससे भी ज्यादा ये खुशी हुई कि तुमने बाहर रहकर भी अपने संस्कार नहीं भूले। मासी मैंने कहा था ना, मैं कभी भी आगे सरप्राइज दे सकती हूँ। और रही संस्कारों की बात, तो मैं अपनी मर्यादा अपनी परंपराएं कैसे भूल सकती हूँ। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज हम लोग सब एक साथ खाना खाएंगे। ओके चलो, मैं ले लेती हूँ ना, इसमें मेरे लिए भी तो कपड़े होंगे, है ना। हाँ चलो चलो, चलो। दीदी उदास मत होइए। देखिए आपने रितिका की तकदीर लिखने की कोशिश की, लेकिन कई बार इंसान जब विधाता के काम को अपने हाथ में ले लेता है ना, तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो कामयाब हो, और शायद इसीलिए रितिका की किस्मत में राहुल का साथ नहीं लिखा। उसे मेरा राहुल पर विश्वास था, जो मैंने उन्हें जबान दे दी। छोड़िए ना दीदी, आप क्यों गुजरी हुई बातों को दोहरा रही हैं, उससे क्या हासिल है। देखिए मैं मानता हूं कि आप अपनी बहू की जिंदगी में खुशियां देना चाहती थी, लेकिन इसके माने ये नहीं हुए कि आप अपने बेटे की झोली खुशियों से खाली कर दें। और फिर रितिका का रिश्ता इस घर से टूट चुका है, आप क्यों उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई। आप साफ तौर पर फोन करके उन्हें कह दीजिए ना कि राहुल ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। अरे किस मुंह से मना कर दूं सुंदर। दीदी आप उन मुंह से मना कर दूं सुंदर। दीदी आप उन नमस्ते। आई 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 है क्या, आप लोग तो आई गए। दरअसल हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे, अच्छा हुआ आप लोग खुद ही आ गए। हम जानते हैं शादी की बात की पहल लड़की वालों की तरफ से होती है। शगुन लाई हूं, रिश्ता पक्का करने आई। आंटी जी आपने थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता। इंतजार तो हमने बहुत किया, लेकिन जब आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो हमने सोचा हम ही पहल कर ले। ये शगुन का कुछ सामान है, स्वीकार कीजिए। आप इस तरह क्यों खड़ी है, शगुन स्वीकार कीजिए। माफ कीजिएगा, मैं ये शगुन स्वीकार नहीं कर सकती। क्या ये क्या कह रही है आप? मैं अपनी
जबान नहीं रख पाई। राहुल ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, मुझे शादी नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जब आपके राहुल को शादी से इनकार था तो आप हमारे घर में क्यों आई थी रिश्ता लेकर? एक विश्वास लेकर आई थी जो जो टूट गया। विश्वास ही टूटा होता तो बात और थी। आपने तो रितिका की जिंदगी को एक भंवर में लाकर खड़ा कर दिया। उसे बात की तो शर्मिंदगी है, इसीलिए तो माफी मांग रही हूँ आपसे। आपके माफी मांगने से रितिका की जिंदगी आबाद नहीं हो जाएगी। आप हमारे घर में रिश्ता मांगने आई थी क्या रितिका की जिंदगी में आग लगाने? उसकी खुशियों को मिट्टी में मिलाने आई थी आप? अरे एक तरफ तो मानस के साथ हमें रिश्ता तोड़ दिया, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि राहुल को इस रिश्ते से मना है। मैं आपको इस बात के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं तो सोचती थी कि आप रितिका से बेहद प्यार करती, लेकिन नहीं, गलत सोचती थी मैं। मेरे बेटे की खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन बन गई है। कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारे गले में ये छोटा सा मंगलसूत्र मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे निकालो निकालो इसे, देखो मैं क्या लाया हूँ, देखो। तुम भी ना। अच्छा ये पहनो, ये गरम गरम तुम्हारे लिए बनाया है। क्या बात, ट्राई करो, बताओ कैसा बनाए। पहले चाय तो पी लो। हाँ
अच्छा बोलना. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. थैंक यू, थैंक यू. अब कहाँ चलें? स्विट्जरलैंड. क्या दिन थे ना राकेश, कितने खुश थे हम, फिर ये अचानक क्या हो गया? मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर वाले मेरे और राहुल के बारे में सोचेंगे. कैसे मैं और राहुल, वो अच्छी तरह से जानते हैं ना राकेश कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं, फिर वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? चांदनी कहाँ, चांदनी की कसम. नहीं नहीं. क्या हो रहा है? छोड़ दो, घर में बहुत सारे लोग हैं. किसी के डर के कारण मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ. अरे बड़े बेशर्म हो गए हो, छोड़ो. अरे वाह, लो कर लो बात. पति अगर घर पे थका हारा लौट कर आए और अपनी पत्नी से प्यार करना चाहे, उसे बाहों में लेना चाहे, तो उसे धमकी दी जाती है कि मुझे छोड़ दो, तुम बेशर्म हो. अच्छा, अरे भाई मैं तुम्हें भगा कर नहीं लाया हूँ, तुमसे शादी की है. अच्छा, सात वचन सात फेरे लिए हैं अग्नि के इर्द गिर्द. और एक और बात, मैंने तुम्हारे साथ जन्म जन्मांतर तक रहने की कस्में खाई, और इस जन्म तो क्या, अगले 100 जन्म तक तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता. राकेश, कितनी बातें करते हो, कितना बोलते हो, कभी चुप भी रहा करो. और हाँ, एक बात मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या तुम मेरी पत्नी हो? मैं नहीं, तुम. तो ये पत्नी वाले डायलॉग क्यों बोल रहे हो? क्या हो भाभी? देखा, मैंने कहा था ना कोई आ जाएगा. तुम हमेशा गलत टाइम पर ही आते हो. मतलब भाभी मैं शिकायत कर रही थी ना. अरे नहीं यार, बताओ क्या कह रही थी, बताओ. मैं तुम्हारी शिकायत, इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी. अब देखो, हटो हटो, देखो इसे कितना हैंडसम लगता है. मैंने कहा था ना भाई. अरे बॉस, बहुत हैंडसम लगते हो, इसलिए तो दिन भर इधर उधर कहीं ना कहीं घूमते रहते हो. मुझे लगता है अब तुम्हारी शादी करवा ही देनी चाहिए. अरे नहीं नहीं भाभी, ये मेहरबानी इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है. अभी कुछ दिन मुझे यहाँ वहाँ इधर उधर भटकने दो, क्या होगा? अच्छा बच्चू, देखा कितना घबरा गया. मैं तो चलो तुम्हें माफ कर भी दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मम्मी जी तुम्हें माफ कर पाएंगे. बता दो अगर तुम्हारी कोई मनपसंद लड़की हो तो. बोल दो. अरे, अरे, राहुल राहुल राहुल, देख मेरी बात सुन. खतरा सर पे मंडराता हुआ मुझे नजर आ रहा है, मगर कोई भी तेरी पसंद हो ना, जल्दी से बता. नहीं, बाद में मुझे कुछ मत कहना. हेलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी परमिशन के बगैर इसके साथ बात नहीं करनी. ठीक है. ये इनफैक्ट ये तेर और भाभी का मामला है, तो मुझे बता सकते हो कोई अगर लड़की पसंद हो तो बोलो. देखो अगर मम्मी जी की पसंद के साथ शादी करनी पड़ी ना, तो फिर तुम्हारी जिंदगी की समझ लो. भाभी मैं सुन रही हूँ. ऐसी कोई बात नहीं है. कोई ऐसा मामला है? देखो सच बोल दो, आखिरी मौका. सच बोल रहा हूँ, आखिरी मौका है. बिल्कुल कुछ बात ही नहीं है. पक्का? पक्का पक्का. क्या 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 बात है? क्या कच्चा पक्का, क्या चल रहा है? बात खत्म हो गई या हमारी पर्सनल मैटर है? पर्सनल मैटर, पर्सनल मैटर. ठीक है, तुम जाओ. मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. हाँ नहीं, राहुल को मत भेजो. हाँ तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं.
पलट गई। अब इन तस्वीरों को देखने का क्या फायदा है दीदी? असल में कहा जाए तो ये तस्वीरें सिर्फ गुजरी हुई यादें बन के रह गई हैं। सच कहती हो दिव्या, मैं ये सोच रही थी कि राहुल मुझसे ना सही कोई बात नहीं, लेकिन किसी और से शादी जरूर कर ले, कम से कम माजी का अकेलापन तो दूर हो जाएगा, उनको एक बहू की जरूरत है। दीदी मुझे लगता है राहुल के इनकार करने के पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। क्या वजह? जरूर वो किसी ना किसी लड़की को चाहता होगा और हो सकता है वो उससे प्यार करता हो। चलो माना दिव्या कि वो किसी से प्यार करता है, तो जहां तक मैं माजी को जानती हूँ उन्हें इस बात से इनकार नहीं होगा, कम से कम वो बताए तो सही, उसे खुद बोलना पड़ेगा ना। अच्छा